फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस देश के जाने माने लोग हैं। हमारे इलाके के लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारी पूजा करते हैं, लेकिन आज की राजनीति ने हमें आम इंसान बना दिया है। हम खानदानी राजा हैं, हुकूमत करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन आज की गंदी राजनीति ने उन छोटे लोगों को ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया है जिनकी नजरें हमारे पैरों से ऊपर नहीं उठती थी। वोटों की भीख मांगकर राजनीति करने वालों के खिलाफ हमें पब्लिक को भड़काना होगा। जात पात के झगड़े, बड़ो प्रॉब्लम्स, कत्ल, लूटमार इतना बढ़ा दिया जाए कि जनता खुद चीख पड़े कि पॉलिटिकल सिस्टम को बदल डालो। और इसके लिए हमें जरूरत होगी अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले मुजरिमों की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी, जिन्हें हम अपने मिशन के रास्ते पर मददगार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे दो चीजों का, एक दौलत और दूसरी ताकत। इसमें कितना वक्त लगेगा राजा साहब? साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस इस काम में लगा देंगे, लेकिन अपने सपने को हकीकत जरूर बनाएंगे। हमारे पूज्य पिताजी की रियासत में चोर के हाथ काट दिए जाते थे, मिलावट करने वाले को गोली से मार दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में हमारे पिताजी की उजड़ी रियासत का एक मामूली अनपढ़ जाहिल शराब बेचने वाला नेता बन गया। उसने हमारे पिताजी की बेइज्जती की, हमारे पिताजी ने उसे गोली छोड़ा दिया। पुलिस आई, गिरफ्तार होना हमारे पिताजी की शान के खिलाफ था। हमने मुकाबला किया, हमारे खानदान का हर मर्द अपनी आन और शान बचाने के लिए शहीद हो गया। 20 लाशें, वो 20 लाशें जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा, मुझसे अपनी बलिदान का, मेरी रगों में दौड़ते हुए खून का हक मांगाई थी। हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, बड़े बड़े अफसरों से बात की, सबका एक ही जवाब था, अगर हमारे पिताजी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया होता तो ये खून खराबा ना होता। उन्हें हमारे खानदान की इज्जत, उसके वकार की कोई परवाह ना थी। हमने एक बार तो सोचा कि इस बलिदान का बदला लिया जाए, इस देश के एक एक हिस्से में खून की नदियां बहा दी जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि आने वाली नस्ल को इस दीमक से बचाना चाहिए जो आज की गंदी राजनीति के जरिए देश के भविष्य को खोखला कर रही है। इस बड़े मकसद में अगर हम मार भी दिए जाएं, तो हमें यकीन है कि आने वाले कल का इतिहास हमारा नाम इज्जत के साथ सुनहरे लफ्जों में लिखेगा। राजा साहब, इस मकसद में हम सब आपके साथ हैं। तो हम कसम खाएं कि आज के बाद हम एक हैं, हमारा मकसद एक है, हमारी जबान एक है। शहर शहर और बस्ती बस्ती गूंजे एक ही नारा, अपने देश के रक्षक हैं हम, है ये देश हमारा, और हम अपने देश को बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। हमें कमजोर बनाने के लिए विदेशी ताकतें किन किन जरियों से कैसे कैसे हथकंडे फैला रहे हैं हमारे रास्ते में हमें मालूम है। धर्म और मजहब के नाम पर हमें आपस में लड़ाकर
ये हमारी प्रजातंत्रता, हमारी डेमोक्रेसी को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन वो ताकतें जान लें कि जब तक मिस्टर विक्रम जैसा एक भी भारतवासी जिंदा है, उनके इरादे कभी नहीं कामयाब होंगे। ये गोल्ड मेडल जो सिटीजन फोरम की तरफ से मिस्टर विक्रम को पेश किया जा रहा है, ये उनकी बहादुरी, उनकी निडरता और उनकी बेखौफ जबान की दाद है। आज सारा हिंदुस्तान यही चाहता है कि उनकी जबान यूं ही बोलती रहे और दुश्मनों के पोल खोलती रहे। आइए मिस्टर विक्रम। अरे रंजी, मुबारक हो यार। मुबारक तुम्हें भी हो। कमाल है भाई, एक फोन कॉल करने का वक्त नहीं मिलता तुम्हें। अरे ये शिकायत तो मैं तुमसे करने वाला था मियां। नमस्ते भाई साहब। बिल्कुल ठीक मेरी बेटी। ये क्या शाल, दो से तीन होने की खबर भी नहीं की। चलो घर, तुम्हारा कोर्ट मार्शल। हाँ जी। यशोदा, वो गीत तुझे याद है जो तू कॉलेज में गाया करती थी? उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो गीत तो मेरी जिंदगी है। वो मुझे टेप कर दे प्लीज, मैं सुना करूंगी। अभी करा दे प्लीज। आ चिकी चिकी। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अभी तक विस्की शुरू नहीं की। बस यार यूं ही समझ ले, अभी तक नशे की मुझे जरूरत ही महसूस नहीं। पत्रकार जो ठहरे, पत्रकारी का नशा ही कुछ और होता है। हैं? एनीवे आई विल ड्रिंक फॉर यू। चीयर्स। चीयर्स। लो सुनो, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारी ये चीयर्स पसंद नहीं है। Oh,
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि। हाँ, पुलिस स्टेशन से पता किया कि वो पकड़े जाने वाले कौन लोग थे? यस सर, इस फाइल में उन सब की डिटेल्स है। एक बात बड़ी कॉमन है सर। वो क्या? कि पकड़े जाने वाले हर उस आदमी का ताल्लुक नेशनल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपनी से जरूर है। नेशनल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंपनी, वो तो मेरे दोस्त रंजीत मेहरा। विक्रम को हम पर शक हो गया है, इससे पहले कि उसका शक यकीन में बदल जाए और कानून के लंबे हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचे। विक्रम खुद कानून के लंबे हाथों में बांध दिया जाएगा। और चाल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो साला जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहे। मम्मी जल्दी चलो, मुझे पापा का मेडल देखना है। ब्यूटीफुल पापा, यू आर ग्रेट। बेटे, ये मेडल मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का निशान है। ये आज से तुम्हारा है, इसे संभाल के रखना। हाँ, विक्रम साहब घर पे हैं? कहीं इंस्पेक्टर। हेलो विक्रम साहब। नमस्ते। हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में कुछ गैर कानूनी हथियार हैं। इंस्पेक्टर, मेरे पास गैर कानूनी लोगों की खबरें होती हैं, वो भी ऑफिस में। आपके नाम सर्च वारंट है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। ये सब कहां से है? ये मेरे नहीं है इंस्पेक्टर। हम तो अभी अभी पंचकनी से आए हैं इंस्पेक्टर साहब। जरूर मुझे किसी ने फंसाने के लिए ये सब। यू आर अंडर अरेस्ट। डैडी, ये सब क्या हो गया डैडी? घबरा मत बेटा, सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले के रास्ते में तकलीफें भले ही आए, आखिर में जीत उसी की होती है। भगवान न करे कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत से काम लो यशोदा, मुझे कानून की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। देखना, कल मैं अदालत से छूट जाऊंगा। मैं जानती हूँ विक्रम को आपने फंसाया है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी हर बात और हर राज को दुनिया से छुपाना तुम्हारा फर्ज है। भले ही आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे, विक्रम आपका पुराना दोस्त है, उसकी पत्नी मेरी सहेली है। विक्रम के बिना उसकी पत्नी और उसके बेटे का क्या हाल होगा, कभी सोचा है आपने? क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। आपकी भी एक बेटी है, भगवान ना करे कोई उसे आपसे दूर कर दे तो। खबरदार, जो ऐसी बात दोबारा जमान पर लाई दो। और फिर किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारी बेटी की तरफ आग भी उठा के दे सके? अगर आपने विक्रम को नहीं बचाया तो मैं अदालत में आपके खिलाफ बयान दे दूंगी। रंजीत की बीवी को अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन सर, रंजीत तो आपका वफादार साथी। यस यस, मानता हूं, लेकिन उसकी बीवी हमारे मकसद में रुकावट बन जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश में ज्यादा से ज्यादा हथियार आए हैं, तोड़फोड़ की वारदातें हों, यह हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। और रिपोर्टर विक्रम जो हमारे मिशन में दीवार बनने की कोशिश कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि अब वो अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। और एक बात का ख्याल रहे, रंजीत को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए इसकी बीवी की मौत में हमारा हाथ है। और यह काम तुम किसी भी किराए के कातिल से करवा सकते हो। जाओ। ओ ले 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 ले, क्या हुआ? मत रो रनिया। ओ दूध पी ले, दूध दूध पी बेटा, क्या हुआ? ले 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 ले। है, मैं तुझे आंटी का गाना सुनाती, तो मेरी बेटी आ रही
सो जाएगी। ये चाइल्ड कौन है? सूजी, ये बच्ची लाखों रुपए का चेक है, 15-16 साल बाद कैश होगा, इसे संभाल कर रखना। पर तुमको बोलो तो मैन। कुछ मत पूछो डार्लिंग, कुछ दिनों के लिए मेरा इस शहर में रहना ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ, 2-3 महीने बाद लौटूंगा। हेलो माय डार्लिंग। नो, ज्योति नहीं है। क्या विक्रम जेल तोड़ के भाग गया? डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? घबराओ मत, तुम्हारी माँ सदमे की वजह से अपनी होश आवाज खो बैठी है। मुझे यकीन है ठीक इलाज से वो अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। क्या तुम इस मेडल को बेचना चाहते हो? कितने पैसे देंगे आप इसके? बेटे, सच्चाई और ईमानदारी के नाम पर मिलने वाला मेडल अनमोल होता है, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। ईमानदारी ने मेरे डैडी को मौत के मुंह में ढकल दिया, सच्चाई ने मेरी माँ को पागल कर दिया, ये सब बेकार की बात है साहब। इस मरने में जो सोना निकलता है आप मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटे। इससे ज्यादा का सोना इसमें से नहीं निकलेगा। थैंक यू भगवान जी, हमारी माँ को अच्छा कर दीजिए, और हथियारों का काम करने वाले जिन जालिमों की वजह से हमारे पिताजी हमसे छिन गए, उनका नाश करने की हमें शक्ति दे दीजिए। ए छोकरे, थैला पकड़, 10 रुपए दूंगा, जल्दी पकड़। ए छोकरे, तुमने किसी को भागते हुए देखा है? नहीं तो चल। ये ले बेटा 10 रुपया। क्या है इसमें? अबे तेरे को इससे क्या है? ला। ये लो, लेकिन 100 रुपए दो, वरना पुलिस को बोल दूंगा। हाँ। अबे दादागिरी है क्या? दादागिरी नहीं, हिस्सा, कृष्णा का हिस्सा, समझे? कृष्णा का हिस्सा? हाँ, कृष्णा का हिस्सा। ठीक है बेटे, ये ले तेरा हिस्सा। आज से कृष्णा ऐसा ही हिस्सा वसूल करेगा। आ गया। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? मेरे नाम से तुझे क्या काम है? चुपचाप वो 100 का नोट हमारे हवाले कर दे। अगर ना दूं तो? अबे जवान चलाता है। ठीक है, हाथ चलाता हूँ। हाँ।
आई समझ में मेरी जबान? चल उठ जा, ये ले अपना इलाज करा लेना। चल चाबी निकाल, बोल तिजोरी। ये ले तेरा, ये ले तेरा और ये मेरा और ये इस माल का एक हिस्सेदार। मतलब इस शहर में जो भी दो नंबर का काम होता है उस पर कृष्णा का एक हिस्सा पक्का हो जाता है। इससे पहले तो हम तेरे जिस्म के हिस्से बना देंगे। चाहूं तो मैं सारे उठा लूं, लेकिन उसूल का पक्का हूं, आज के बाद कृष्णा का हिस्सा रखने में गलती नहीं करना। चल बे पान वाले, हफ्ता निकाल, जल्दी से दो पैकेट सिगरेट और दो बंडल बीड़ी निकाल। ए छोकरे रुक जा, ठेले का लाइसेंस है? अरे साहब बेचती नहीं, एक दुकान से दूसरी दुकान तक पहुँचाती हूँ। ठीक है ठीक है, एक बड़ा सा कलिंगर निकाल और काट कर खिला। काट कर? हाँ। आप उनके पास चाकू नहीं है साहब, धंधा नहीं करती हूँ ना। अरे चाकू की जरूरत पड़ती चोरों को, अपन पुलिस वाले डंडे से काम ले लेते हैं। हट जा। ये कलिंगर है कि फुटबॉल? अरे जा रहे दोनों साहब, ये नकली कलिंगर है। नकली कलिंगर है? हाँ। इसके अंदर क्या है, खोल के देख, खोल के देख। खोलो मत, खोलो मत, मैं बताती हूँ, इसमें दारू है। दारू? हाँ। धीरे बोलो साहब धीरे, नहीं तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। बताओ कितने दू? कितना है? 200 चलेगा? चलेगा आज के लिए, लेकिन याद रखना अपना आपका फिक्स है इधर रोज का फिक्स। हाँ। ये तू रख ले, ये मेरा। चल ए हवलदार हूँ। कौन है बे? नए आए हो, शक्ल से नहीं पहचानोगे, नाम मेरा कृष्णा है। ये मेरा हिस्सा है? का हिस्सा? ये कृष्णा का हिस्सा सारे इलाके को मालूम है, 100 रुपए लिए हैं, उसमें से 30 रुपए दे दे। बोल गया तू, बोल गया, अब देना पड़ेगा। वो क्या है, 100 का नोट बंदा है, 70 रुपए छुट्टे आपके पास। मेरा हिस्सा बराबर का होता है, 200 रुपए मिले 100 मेरे। तुम्हें ये भी पता है? मुझे ये भी पता है कि कल जो मटके के अड्डे में धावा मारा था ना, उसमें 500 रुपए मिले तो 250 मेरे। नहीं नहीं 500 नहीं मिले थे उधर, उधर 200 रुपए मिले थे। हाँ हाँ 200 ही मिले थे कृष्णा, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, 200 ही मिले थे। मटके वाले का सामना करा दूं? नहीं। इसका मतलब तुमने 300 रुपए अंदर कर लिए। 300 रुपए अंदर कर लिए तो क्या हुआ, मैं तुमसे 6 महीने सीनियर हूँ। नहीं 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 नहीं, रिश्वत में सीनियर भी नहीं होते। चल जा, चल जा, चल जा। मैं निकाल कर को, 300 रुपए दे मेरे। नहीं मेरे पैसे नहीं, नहीं दूंगा मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं मेरे काम का तुमसे सीनियर हूँ। क्या रहा यहाँ? देखिए ना सर, 500 रुपए रिश्वत में ले लिए, 200 रुपए मेरे को दिखाए और 300 रुपए अंदर कर लिए, कहता है मुझसे सीनियर है, अभी रिश्वत में भी कोई सीनियर हो? अच्छा तो आप लोग यहाँ रिश्वत ले रहे हैं, चलो मेरे साथ, तुम दोनों को अभी सस्पेंड किया जाता है। मर गए अब तो होगी। बस बस ठीक है ठीक है, चलिए तेरे 100 रुपए रखते ही। बस आज मैं पकड़ और फुट ले। ए कृष्णा सुनो, मेट्रो में अच्छी पिक्चर लगी है, आई लव यू, चल के देखना मेरे साथ। मैं तुझे 25 बार बोल चुका हूँ कि मेरे साथ उल्टी सीधी बातें मत करना, दारू बेच बेच कर दिमाग सड़ गया है, जो गंदी बातें सोचती रहती हैं। पिक्चर देखना गंदी बात है, प्यार करना गंदी बात है क्या? प्यार करना गंदी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, हथेली पे दिल लेकर घूमना गंदी बात है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? अगर तेरी पसंद को ना बदला तो मेरा नाम भी किमी नहीं। अपुन का नाम पिंटो है, 12 साल से चोरियां करता है, 18 बार जेल जा चुका है, लेकिन अपुन से आज तक हिस्सा मांगने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सिवाय कृष्णा के। अरे तुम लोग का बरोबर है यार, तुम तो उसी के बिरादरी के, लेकिन अपुन जैसे ईमानदार क्या? ईमानदार मतलब ईमानदारी से बेईमानी करने वाले। हाँ। हवालदार के भी उसने कपड़े उतार दिए। अरे उस वर्दी की आड़ में अपना काम कितना फर्स्ट क्लास चल रहा था, सब सत्यानाश करके रख दिया,
लेकिन अब हम करें क्या? कृष्णा को हिस्सा दिए बिना हम शहर में कुछ नहीं कर सकते। हम काम करेंगे और कृष्णा को बगैर हिस्सा दिए करेंगे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? हम सब इतने एक साथ हैं और वो अकेला है। हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। मैं कोई अवतार नहीं जो अपने मजबूर भक्तों की मदद करने करेक्ट टाइम पर पहुंच जाऊं। मेरा नाम कृष्णा है और जो दुश्मन हमें दिल से पुकारता है मैं करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता हूं। मारो सारे को। कृष्णा का हिस्सा शैतान भी नहीं रोक सकता, समझे? आदाब रहमत भाई। आदाब किशन भैया। 100 आदमी को खाना खिला देना। अच्छा। बंदा है खुदा, तू हर दूसरे तीसरे दिन हम 500 भूखों को खाना खिलाता है। हमारे दिलों से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह तुझे हर नेमत से नवाजे, तेरा हर गम दूर करे। मैं एक ही दुआ का मोहताज हूं बाबा, बस मेरी मां ठीक हो जाए। छोड़ूंगी मैं पत्थर, आगे मत बढ़ा, मैं पत्थर मार दूंगी। वो तो बेचारी पागल है, तुम बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? कितने पत्थर खा चुके हो माथे पर। डॉक्टर, जब तक मां के होंठ इस माथे को बेटा कहकर नहीं चूमते, मेरे लिए पत्थर ही मां की ममता है। मेरी जिंदगी खुद एक पत्थर बन गई डॉक्टर, एक ऐसा पत्थर जो 15 साल से सड़कों पर ठोकरें खाए जा रहा है। हमारा भी एक हंसता खिलता घर था। मेरे पिता जिन्हें बहादुरी और देशभक्ति के नाम पर सोने का मेडल मिला था, उन्हें देशद्रोही बनाकर किसने फंसा दिया। पिताजी
चीखते रहे, चिल्लाते रहे। अदालत के सामने मैं मुजरिम हूं, लेकिन अपनी आत्मा, अपने जमीर के सामने मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। मैंने अपने अखबार के जरिए समाज के दुश्मन देशद्रोहियों के चेहरों को बेनकाब किया है, उनके घिनौने पापों को इस देश की जनता और सरकार के सामने रखा है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है ऑनर। अदालत में मेरे खिलाफ झूठे सबूतों को सच साबित किया गया है, लेकिन यह बिल्कुल बकवास है, इल्जाम है। मैं बेगुनाह हूं ऑनर, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। किसी ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया, किसी ने हमारे साथ हमदर्दी नहीं की। पिताजी जेल से भागने की कोशिश में भगवान को प्यारे हो गए, और मां, मां पागल हो गई। डॉक्टर, मेरी मां पागल हो गई। Switch it off. Remove it. कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, क्या है? चिन्नी है ना, दम पे दम लगाई जा रही है। क्यों? कहती है जब तक आप नहीं आओगे तब तक दम लगाती रहेगी। कहाँ? वो चर्चियों के साथ गार्डन में। तम तारा, तम तारा, तम तारा, तम तारा, तम तारा।
जान के से घड़ी गल पड़ गई तू, उंगली जो थामी सर चढ़ गई तू, बहादुर से भी आगे बढ़ गई तू, मरवाएगी तू मुझे। पीछा छोड़ छोड़ मुझे जाने दे जाने दे। तम तारा 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 तम मरेगी मुझे भी संग तू भी मरेगी, कर दे मुझे माफ, जा जा जा। मिट जाएगा तेरा दिल यार दे, थोड़ा प्यार दे सनम, थोड़ा प्यार ले। ए, ना मिटेगा गम मेरा, हवा आने दे, मेरा पीछा छोड़ छोड़ मुझे जाने दे जाने दे। तम तारा तम तारा तम तारा तम तारा तम तारा तम तारा ने नशे की गोलियां खाई हैं। नशे की गोलियां? लेकिन मैंने तो इसे सिगरेट के दम लेते हुए देखा है। दम लगाने से पहले ये नशे की गोलियां खा चुकी। ओ नो डॉक्टर, ये नशे की गोलियां नहीं, ये हेडेक की गोलियां हैं। ये अपन खुद लेके आया है, बाकी गोलियां आप देख लीजिए। क्या है कि किन्नी का सर दर्द कर रहा था, इसके लिए मैं लाया था। ये सर दर्द की गोलियां नहीं, ये नशे की गोलियां हैं। नशे की गोलियां? अंकल ये नशे की गोलियां तुम कहां से लाए? नेशनल स्टोर से। मैं कुछ नहीं जानता कृष्णा सेठ। झूठ बोलेगा तो जबान काट के चील कौओं को खिला दूंगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। दादा साईं। दादा राम राम। मेरा नाम है पीपी मालपानी। जिसके पास ज्यादा माल होता है उसका सारा पानी उतार देता हूँ। वर्दी देख के तो समझ गया होगा दादा कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, बहुत खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। जिस पुलिस स्टेशन में मैं काम करता हूँ दादा, उसके अंदर एक खटमल रखता हूँ। एक वो खटमल दादागिरी करने वालों का खून चूसता रहता है दादा, चूसता रहता है। जिस्म से तो सबसे बड़े खटमल तुम लग रहे हो। तुम तो एकदम दादा हमारे ब्याज की तरह बढ़ता जाता है। कम से कम कुछ तो लिहाज करो, मुझसे नहीं डरते हो तो वर्दी से तो डरो। डर तो उसे लगता है जिसके दिल में चोर हो। यह आदमी नशे की दवाइयों का बिजनेस करता है। इसके साथी कौन है, माल कहां से आता है? अगर तुम ना आते तो अभी तक मैं पूछताछ कर लिया होता। अभी तुम आ गए तो इसकी पूछताछ शुरू। दादा अगर मैं दादागिरी के जुर्म के अंदर तुमको गिरफ्तार कर दूं तो? अगर मुझे गिरफ्तार किया तो तुम इस वर्दी से बाहर। दादा तुम ये अंदर बाहर का धंधा कैसा करता है और उस पे कितना टका ब्याज लगता है? 15 दिन पहले एक इंस्पेक्टर यहाँ बदली होकर आया है और आते ही शराब बेचने वाले जग्गू से 1,000 रुपया रिश्वत लिया। उसका नाम बताओ, अभी लॉकअप में बंद कर दूंगा। रॉबर्ट की टैक्सी शराब लाने ले जाने का काम करती है, उसे 500 रुपया लिया। दादा जरा नाम तो बताओ। बजलू के क्लब में ताश के अलावा दाना भी चलता है, उससे 2,000 रुपया हफ्ता सौदा तय हो चुका है। दादा आपको सब कुछ मालूम है, नाम मत बताना, गिराक बहुत है इधर। 15 दिन में 10,000 रुपया की रिश्वत। अरे बापे, ये तो
मेरा प्राइवेट स्टोरी लगता है दादा, तुम तो एकदम हीरो लगता है दादा। फिर दादा आगे बोलो। इस इलाके में दो नंबर की कमाई करने वाला कृष्णा को टैक्स देता है 50%। 50%? आज शाम को मैं उस इंस्पेक्टर से उसी के पुलिस स्टेशन में अपना टैक्स लेने आऊंगा। तब तक तुम इसे गिरफ्तार कर लो बाकी पुलिस स्टेशन में। क्या क्या नाम बताया तुमने? लख जी लानत कुत्या पुट्टे, माल पानी का सारा माल खुद लेगा और पानी में मुझे ढकेलेगा। ताहता क्या है तुम चरिया पुट्टे? माल पानी सर, जब वो इंस्पेक्टर रिश्वत लेता है तो आप भी क्यों नहीं लेते? अरे समझा करें बेवकूफ, वो इंस्पेक्टर उस इंस्पेक्टर मैं हूँ। कितना देगा बोल? 1000। 1000? 1000 तो चार हवलदारों में बढ़ जाता है। 2000? 2000 में तो बेईमानी घर में नहीं परवरती। 5 से कम नहीं लूंगा। 5 देना ही पड़ेगा। रुक मत दे, वरी तू देगा मैं लूंगा तो वो खटमलों का खटमल मेरे पीछे पड़ जाएगा, 50% ले लेगा। नहीं नहीं, तुझको तो मैं अंदर करूंगा। अंदर? बिल्कुल सीधा अंदर चल। लख जी लानत चरियो मुंह, फिर खाली हाथ चला आया तू? दादा 4 दिन से भूखा फिर रहा हूँ। अरे 4 दिन से भूखा फिर रहा है कमबख्त, इसलिए इतना कद है तेरा। 8 दिन भूखा रहेगा तू गायब हो जाएगा, तू जिंदगी भर हवलदार रहेगा, तेरा कद कभी नहीं बढ़ेगा। लख जी लानत वेओ साहेब वेओ। अरे तू जा इधर से, मुंह का देखता चल। दादा बाहर चलो। दादा बाहर क्यों? दादा माना कि दुनिया बड़ी खराब हो गई, लेकिन इतनी खराब नहीं हुई कि मैं एक पुलिस अफसर अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर एक आम शहरी को रिश्वत दूं ना। दादा मैं रिश्वत नहीं, अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हिस्सा? चलियो थी भी हो हिस्सा। हाँ हिस्सा, आप हिस्सा बोलते हैं लेकिन मैं तो इसको दलाली बोलूंगा ना साईं। चलो साईं। नहीं, लगता है पुलिस वालों के साथ तुम्हारा पाला नहीं पड़ा बाबा। एक एक काम के लिए अंदर बंद करके रख दूंगा, कायदा कानून सिखा के, समझे? अच्छा हाँ, वो दुकान वाला आदमी अंदर है? हाँ अंदर है। सारे पुलिस वालों के सामने वो ये कहेगा कि तुमने उससे रिश्वत मांगी। चुप कर बाबा, धीरे कर, समझा कर। साईं मैंने तो सोचा था तू डर जाएगा, तुम नहीं डरा, मैं डर जाता हूँ बाबा। तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमीना निकला है। अरे रे रे रे, मच्छर का खून चूसता है, मच्छर का। ये लो पकड़ो। क्या पकड़ो? क्या? अरे पकड़ो साईं, तुम्हारे हिस्से का माल ऊपर से थोड़ी दे सकता हूँ, मगर हराम का माल हजम करने के लिए मेरे जैसा हाजमा चाहिए। मेरा हाजमा बहुत दुरुस्त है। तकलीफ हो रही है? हाँ अब तक लेने की आदत थी ना, अब देने की आदत डालो। क्या मतलब? मतलब ये, आज से जो कुछ तुम कमाओगे आधा आधा, मतलब 50-50। 50-50? जो कुछ मेरा है उसमें 50-50 तुम्हारे पास। हे भगवान, मुझको हाथ तरफ बल दे दे, आधा इसका दिल सर जाएगा। बहुत फायदे में रहेगा साईं। अब बताओ दुकान वाले ने कुछ बताया? वो दुकान वाला, वो डी टाई में तेरा भी बाप निकला। उसको प्यार से पूछा, पुचकार के पूछा, धुतकार के पूछा, डांट के पूछा, उठा के गिरा के पटक के पूछा, फिर भी जबान नहीं खोलता बाबा। जबान जबान में फर्क है ना। आओ मैं तुम्हें अपनी जबान का जादू दिखाता हूँ। कसम दुकान की कृष्णा भैया, मुझे नहीं मालूम ये माल कहाँ से आया। दुकान किसकी है? मेरे। किसने दी है? मेरी बीवी ने। कौन सी बीवी ने? मैंने पूछा कौन सी बीवी ने? देखो अगर तुम सही नहीं बताओगे माल कहां से आया है, सरकार तुम्हें सजा दे या ना दे, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। मैं तुम्हारी घरवाली को सुल्तानिया बिल्डिंग फ्लैट नंबर 3 उस बाहर वाली का पता बता दूंगा। बैठ जा, बैठ जा। अभी 3 महीना पहले
सुल्तानिया बिल्डिंग वाली को एक लड़की हुई है, वो तुम्हारी है। अगर तुम्हारी घरवाली को सब कुछ बता दूं तो तुम्हारी दुकान तुम्हारे हाथ से गई और वो तुम्हें जूते मर मर के मर मर के। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सच सच बताता हूँ। सच बता। ये माल मुझे शाका देकर जाता है। शाका कौन? जो दो साल पहले बैंक डकैती में पकड़ा गया। जी हाँ। जेल से भागते वक्त उसके बाएं पैर में गोली लगी थी। जी हाँ। झूठ बोलता है, वो साल भर से तड़ी पार है। तड़ी पार है, लेकिन पिछले एक महीने से हर शनिवार की रात को वो किरण क्लब में आता है। किरण क्लब? अरे चलो बाबा, ये शनिचरवार को अपन किरण क्लब पे जाके शनि की तरह चढ़ जाएगा। मेरे हाथ में बहुत खुजली होती है दादा, खुजली खुजली। माल पानी नहीं, शाका कैरियर है, जो माल लाता है और पैसा लेकर जाता है। मुझे तो वो चाहिए जो शाका के पीछे है। सर, रंजीत साहब शाका को लेकर आए हैं। आने दो। जी। आए राजा साहब। ये क्या किया आपने? हम अपने साथ काम करने वालों को अपनी ताकत समझते हैं रंजीत, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपने आदमी को मारना पड़ा। मेरी वजह से? हेलो। क्या रेल के डिब्बे में बम फटा, 10 मर गए, 20 घायल। इंसान इंसान की जिंदगी की कब कदर करेगा? अच्छा सगरो, हर मरने वाले को 10,000 और घायल को 2,000 हमारी तरफ से दे दो। इसमें शुक्रिया क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज है। रंजीत, तुम जानते हो कि बरसों से ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, इसके दो उसूल हैं। उसूल नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करना। उसूल नंबर 2, बहादुर दिलेर समझदार लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना। लेकिन तुमने शाका के जरिए नशे का यानी के ड्रग्स का काम करके इन असूलों को तोड़ दिया। राजा साहब, ड्रग्स के बिजनेस में हथियारों के बिजनेस से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ड्रग्स बार बार बिकते हैं और हथियार सिर्फ एक बार। हम कोई मामूली व्यापारी नहीं है जो के तिजोरी भरने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। माफ कीजिए राजा साहब, इंसान काम ही करता है फायदे के लिए, पैसों के लिए। मैं मानता हूं, लेकिन पैसा कमाने के अंदाज में जरा फर्क होता है। भिखारी भीख मांग के पैसा कमाता है, चोर चोरी करके पैसा कमाता है, व्यापारी व्यापार करके पैसा कमाता है, और राजा राज्य करके पैसा कमाता है। ये मत भूलो कि हम राजा हैं और राज्य करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस अधिकार के लिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को 20 साल से चला रहे हैं। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है, हम कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, जा सकते हो। ठहरो। शाका का इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक है, उसके हर निशान को मिटा दो, क्योंकि इस शहर का बहुत ही बहादुर होनहार कृष्णा शाका के लिए निकल पड़ा है। तो हम लोग क्या लोग कृष्णा को खत्म कर दें? नहीं, कृष्णा जैसा आदमी बहुत कम पैदा होता है। हम उसे मिले तो नहीं, लेकिन उसके कारनामों ने उसे चहेता बना दिया हमारा। हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन वो आए, काम करे और हमारा राइट हैंड बने। जाओ। क्या चाहिए सर? विस्की, ब्रांडी, बियर, जिन और वोडका। शाका। शाका? ये किस विस्की का नाम है सर? एक बोतल में कितने पेग होते हैं? 13। और तुम बनाते हो 15। दो पेग का पैसा
तुम्हारी जेब में जाता है। अगर ये बात मालिक को बता दी जाए तो? सर ऐसा मत कीजिएगा सर, हम बाल बच्चे वाला आदमी है, ना घर का रहेगा ना घाट का। बाय द वे आपको कैसे पता चला? शाका कहाँ है? शाका आज आया नहीं। डेली आता है? आटा रोज है, कभी कभी आटा है कभी कभी नहीं आता है, और जब आटा है तो उधर बैठता है उधर। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत मुश्किल से इतना माल बनाया, वरना ये भी मुश्किल। ओ साहबजादी। कौन है बे तू? मैं कौन हूँ ये पूछने से पहले अपना हिस्सा निकालो और आगे बढ़ो। हिस्सा? बेबी इसने अपन को पत्ते बदलते पकड़ लिया था ना ये। पकड़ लिया तो क्या हुआ, अभी फुटले यहाँ से। अपन का नाम बेबी है बेबी, और अपन के सामने आवाज निकालने वाला सीधा हॉस्पिटल जाता है क्या? ऐसा क्या? देखता क्या? दिखा क्या? क्या हो गया बेबी? कौन है बे तू? बाप का नाम बेटे नहीं लिया कर। अरे किसने मारा? सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है? घर घर जमाल ऐसा क्या? आप उन्हें कितना बुद्धू है कृष्णा दादा, आपको पहचाना है कि नहीं? ये रहा आपका 50% है। ये तो रहा आप उनका हिस्सा, और ये रही गुंडे बुलाने की सजा। बाद में ये आधे में क्यों छोड़ के चला गया बेबे? हाँ आंटी, गॉड का शुक्र करो कि आज मैं और बेबी सही सलामत बच के आ गया, वरना कृष्णा के चक्कर में तो कोई भी पूरा राउंड द वर्ल्ड घूम जाता भाई। कृष्णा? ओ लॉर्ड कृष्णा? अरे लॉर्ड कृष्णा नहीं आंटी, हार्ड कृष्णा। हार्ड हार्ड बोलो तो एकदम सख्त कड़क। उस साले की कड़क जब तक तो अपन ढीली नहीं करेगा अपन चैन से नहीं बैठेगा। पन किया क्या उसने? अपन को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और आधा माल ले गया फोकट में। अरे फोकट का माल लेना ही उसका धंधा है बेबी, सभी दो नंबर का धंधा करने वाले लोग उसको फोकट में ही देते हैं बाप। अपन भी उसको देगा क्या? ऐसी मार देगा कि 3 महीने तक हॉस्पिटल में सड़ेगा साला। दो, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा तुमको। क्या मतलब? अरे उसकी धुलाई करवाने के लिए मैं तुमको अखाड़े का पहलवान दिलवाएगा ना, एकदम टाउन के माफिक पिट। यह है खुजली पहलवान, छाती 30, पेट 45, रान 18 और बाजू 12। वाह, खाली खुजली कर करके सामने वाले को चित कर देता है। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, यह है कमरू पहलवान, खाली कमर पकड़ के कमरा बना देता है। इसके मेजरमेंट खुजली पहलवान से 1-1 इंच ज्यादा। और बेबी कमाल की बात, बेबी क्या हुआ? डॉन अपन ने तेरा नाम गॉन बिल्कुल ठीक रखा है। क्यों? तू इधर से बिल्कुल गॉन है। पर काय को? ये सब उसके एक एक ग्लो में फ्लैट हो जाएंगे। चल क्या सोच रही है बेबी, ये बहुत बड़ा बदमाश है, तेरे को आउट ऑफ रीच पड़ेगा, 5,000 से कम में पटने वाला ही नहीं है। अबे हट, अपन इसको फोकट में पटाएगा। फोकट में पटा? अभी तो चल। अरे बेबी पटाने के चक्कर में पिटवाएगी रे। हाँ लगता तो है, मगर वो भी हो सकता है। ए लड़की। अरे अरे आवाज तो बड़ी भारी है, लेकिन वो आवाज बंद कर देगा। कौन किसकी आवाज बंद कर देगा? नहीं भी कर सकता है, दिखने में तो बस सब भारी हो, लेकिन पढ़ने में उसका हाथ बहुत भारी है, सॉलिड ब्लो मारता है साला। है कौन? अरे बड़े बड़ों को चैलेंज दे चुका है, जीत भी चुका है बेबी, लेकिन शायद तू
तुमसे ना जीत पाए। जीत भी सकता है। नाम बोल, रहता कहाँ है? यही का है, मिलना है तो बोलो। मिलना नहीं, भिड़ना चाहूंगा। ये लो बेटा, आज के जमाने में अपनी औलाद भी मदद नहीं करती। तुमने तो मुझसे कोई रिश्ता हुए बिना ही इतनी बड़ी मदद कर दी। तुम्हारी बेटी मेरी बहन जैसी हुई ना, और बहन की शादी करवाना मदद नहीं, भाई का फर्ज है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें दुआ ही देनी है तो ये दो कि माँ अच्छी हो जाए। भगवान उन्हें जरूर अच्छा करेंगे। अरे वाह 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 साईं, वाह वाह वाह। मैंने आज तक तुझे लेते हुए देखा है, लेकिन आज तुझे देते हुए देखा है। साईं, तेरा ये रूप देखकर मेरे दिल के अंदर तेरे लिए फकर पैदा हो गया है, अपनी दोस्ती पे घमंड हो गया है। साईं चल मिलाता हूँ तुझे एक हस्ती से, देख कौन मिलने आया है। राजा साहब, तुम मुझे जानते हो? गरीबों के सबसे बड़े हमदर्द, दीन दुखियों के दाता, हजारों लोग जिनका नाम लेकर सोते हैं, जागते हैं, जीते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता? अरे ये सब किसने कह दिया मेरे बारे में? मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सोशल वर्कर हूँ। राजा साहब, इस शहर में आप अकेले आदमी हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ। कैसे तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता? भाई पता चला ड्रग्स का काम करने वाले किसी आदमी को तुमने पकड़वाया था, मुबारकबाद देने आया हूँ। राजा साहब, मुझे दो काम करने वालों से नफरत है। एक, जो नशे की शक्ल में इंसान को घुला घुला कर मारते हैं। दो, जो हथियारों के जरिए हमारे देश में बारूद की मौत लाते हैं। ऐसे गद्दार मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। कुछ पता चला इस काम में और कौन कौन लोग थे? कोई खास नहीं। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े भाई तो मैं हाजिर हूं, याद कर लेना। जी। दादा साईं, तेरे को राजा साहब जैसे अच्छे आदमी के साथ इतनी दोस्ती वोस्ती बढ़ा के नहीं रखनी चाहिए। ब्लैक मनी लेने वाले को कभी इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इस बात का डर तो तुम्हें होना चाहिए मालपानी, क्योंकि पुलिस वाले तुम हो और मुझे किसी वर्दी की बंदिश नहीं। बाबा तेरे पास तो हर बात का जवाब है, तेरे साथ बात करना फजूल है। चल जल्दी से सजदे की तैयार हो जा, हम लोगों को जाना है सी राग में, न्यू ईयर ईव की पार्टी है। दो कार्ड है मेरे पास, ये देख। और ये रिश्वत का माल नहीं है, हलाल का माल है। चल बाबा, पहली दफा 100 रुपया खर्चा है मैंने जिंदगी में इतना। तबे, तबे। उफ़ो, क्या है? आज रात को होटल सीराप में न्यू ईयर की पार्टी है। तो उसमें नई बात कौन सी है गौन? वो तो हर साल आती है। मगर हर साल वहाँ कृष्णा नहीं जाता जो इस बार जा रहा है। मेरा अच्छा चाचा डॉन, तू बिल्कुल गौन नहीं है। बहुत अच्छी खबर सुना आज। बेबे, अपन भी चलेगा ना? हाँ जरूर चलेंगे, और हमारे साथ पहलवान भी चलेगा। और फिर कृष्णा का ये साल इतना मनहूस चढ़ेगा कि वो हमें जिंदगी भर याद रखेगा। ये भी मेरा दिल मांगे, वो भी मेरा दिल मांगे।
दिल मांगे दिल मांगे दिल मांगे दिल मांगे ना 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 हाउसफुल झुकाते हैं हम भी कुछ कम नहीं तुझ में कुछ दम नहीं दिखलाना ये शौकियाँ ये भी मुझे चाहे बाबा वो भी मुझे चाहे बाबा कोई आगे आए बाबा कोई पीछे आए बाबा कोई लोहा ऐसा नहीं बना जो कृष्णा के शरीर पर खराश भी लगा सके। बेवकूफ के बच्चे बता किसने तुझे यहां भेजा है? वो भी बता दूंगा तुझे कृष्णा, तेरे हाथ पैर तोड़ने के बाद।
अरे साईं, तुमने तो एक सीधे साधे सिंधी आदमी को बड़ी कंफ्यूजन में डाल दिया। मैं तो समझा था सिर्फ तुम्हारा दिमाग ही चलता है, मगर साईं तुम्हारे तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं और भी एक चीज बहुत तेज चलती है। क्या दादा? वो है कृष्णा की तीसरी आंख। हाँ, अरे वो मैडम हाउसफुल। जरा रुक जाओ, रुक जाओ। फंस गए। अब क्या होगा बेबी? क्यों, इस पहलवान को चाबी देकर तू लाई थी ना इधर? तुम कौन हो? ये क्या है? मैं कौन हूँ? तुम हो मैडम हाउसफुल। हाउसफुल, हाउसफुल। तुम्हारा भी हाउसफुल, मेरा भी हाउसफुल, इसका भी हाउसफुल, इसका हाउस का वाली। लगता है ये तेरी तेजी देखने से पहले ही साईं पागल हो गई है। पागल हो गई है? तो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। ये पहलवान जेल में जाएगा और ये छोकरी पागल खाने में। हम पागल क्यों? अच्छा मम्मी। Thank you.
अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, 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 छोड़ दो। डॉक्टर, डॉक्टर, आपने मुझे फौरन बुलाया, मेरी माँ ठीक है ना? कृष्णा, 14 साल में आज पहली बार मैंने तुम्हारी माँ की आंखों में होश की चमक देखी है। सच? मुझे उनके पास ले चलिए। वो अभी बेहोश है, मुझे यकीन है कि वो ठीक हो सकती है, बशर्त है कि वो लड़की मिल जाए। लड़की? उसका नाम बेबी था, इंस्पेक्टर मालपानी यहाँ छोड़ गया था। मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ की बीमारी से उसका क्या ताल्लुक है? वो लड़की एक गाना गा रही थी जिसे सुनकर तुम्हारी माँ रिएक्ट करने लगी, अगर वो मिल जाए तो। डॉक्टर, अगर मेरी माँ के लिए वो जरूरी है तो किसी भी कीमत पर मैं उसे लेकर आऊंगा। सर, इस लड़की का नाम बेबी है। न्यू ईयर नाइट में कृष्णा की पिटाई का प्लान इसी ने किया था। ये काफी होशियार और दिलेर भी है। तुम्हारे हिसाब से ये लड़की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है? यस सर। जिस मकसद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से चल रही है उसके पूरे होने का दिन करीब आ गया है, जिसके लिए हमें होशियार और दिलेर साथियों की जरूरत है। तो उस लड़की का एग्जामिनेशन लो, पास हो गई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर। सर, इम्तिहान किस तरह लिया जाए? मैं बताता हूँ। मशहूर स्मगलर तेजा का सोना एक गाड़ी में बंद है। यस सर। गाड़ी कलीना में खड़ी है। तुम तेजा के दुश्मन टागा का आदमी बनकर उस लड़की से कहो कि गाड़ी को उड़ाए। उस गाड़ी का उड़ाना लड़की की चलाकी और होशियारी का एग्जामिनेशन होगा। जाओ। तेरे को ढूंढते ढूंढते सारा शहर छान मारा और तू इधर है। मतलब की बात कर और फुट ले यहाँ से। देखता नहीं अपुन सन बात ले रहा है। तेरे लिए कस्टमर लाया। अबे साले, कस्टमर लाया है तो ले जा अपनी माँ बहन के पास। यहाँ पे क्यों लाया? बिजनेस बाप, बिजनेस। तो फिर बोलता क्यों नहीं बिजनेस लाया है? हाँ बोले भाई, क्या काम है? एक गाड़ी कालीना में खड़ी है, उसे डोंगरी तक पहुँचाना है। गाड़ी में इंजन नहीं है क्या? है। तो क्या फिर मुझे धक्के मारना? बिल्कुल नहीं। अरे बेबी, तेरे को खाली गाड़ी यहाँ से लेकर वहाँ तक लेके जाने का है और 10,000 रुपए कमाने का है बस। गाड़ी ले जाने का और 10,000 रुपए का मतलब? काम थोड़ा खतरे का इसलिए। अरे खतरों से खेला तो अपन की जिंदगी है, लेकिन अपन को सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। आज शाम तक सोच के बताएगा। ठीक है, अभी फुट ले। चल फुट ले। चल सेठ। अरे कृष्णा सर, तुम अपन के इलाके में? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने 2 नंबर के सारे काम छोड़ दिए। ये मेरा पर्सनल काम है। शादी मनाने का है क्या? नहीं, किसी को उसकी बिछड़ी हुई माँ से मिलाना है। कृष्णा सेठ, पागल खाने में मैं रहकर आ रही हूँ और असर तुम पर हो रहा है। असर तो बरसों पुराना है। कल हॉस्पिटल में जो औरत तुम्हारे पर झपटी थी वो मेरी माँ है। डॉक्टर का कहना है अगर वो गाना तुम बार बार गाओगी तो शायद मेरी माँ की याददाश्त वापस आ सकती है। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? क्या फायदा चाहती हो तुम? इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या काम है? काम? वो कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना होगा। जाऊंगा। ख्याल रहे, गाड़ी हिफाजत से पहुंचनी चाहिए। ये लो चाबी। चले। Thank you.
करने जा रही हो? इतनी परेशान क्यों हो? नहीं। जानती हो यह गाड़ी किसकी है? शहर के सबसे बड़े स्मगलर दागा की। दागा की? और जिसने तुम्हें गाड़ी ले जाने के लिए रुपए दिए हैं, वो है दूसरे बड़े स्मगलर तेजा क्या। दोनों स्मगलर एक दूसरे का माल चुराया करते हैं। गाड़ी की चाबी? डुप्लीकेट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। गाड़ी की डिक्की में लाखों का सोना है। अब क्या होगा? दागा के आदमियों से टकराओ। क्या किया तुमने? बच्चे को मार डाला? फांसी से कम तो सजा नहीं हो सकती। पीटा, मुझे बचा लो। बचा लो? चलो बचा लिया। आंखें खोलकर देखो, देखो गुड़िया है प्लास्टिक की। ये तेजा की चाल थी हमें रोकने की। अब क्या होगा? अब तो शुरू हुआ है। आगे देखो। अब पीछे देखो। अब क्या होगा? अब मारा मारी से भरपूर। तुमने अपने आप को जानबूझ के खतरे में डाल दिया। मैंने ये सब कुछ अपनी मां की खातिर किया है। तुमने तो अपना वादा निभा दिया, अब मैं निभाऊंगी। मुझे यकीन है तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लगता है इस गाने का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये गाना तुमने कहां से सीखा? मेरी मम्मी के पास एक कैसेट है, उसमें से ही सुना करती थी। ओ मैन, काय को हमारा नशा खराब करता है। हम तुमको बोला, हमको इस कैसेट के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कैसेट आपके पास आया कहां से? ओ गॉड, तुम्हें इसे क्या?
मैडम, उस कैसेट से मेरी मां की खोई हुई याददाश्त का ताल्लुक है। हो सकता है उससे मुझे उस आदमी का पता चल जाए जिसने मेरे पिताजी को झूठे इल्जाम में फंसाया, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई। तो क्या तुम अब अपन को पागल करने को आया? हम तुमको बोला हमको कुछ नहीं मालूम, गो। मामा, तुम कहती थी ना कि तुमको वो कैसेट अपन के हाथ में मिला था, तो उससे क्या? उससे दो बातों का पता चलता है। एक, वो कैसेट आपका नहीं है। दूसरा, कैसेट किसी दूसरे आदमी ने आपके घर में आकर बेबी को दिया था। वो आदमी कौन था? बोला ना आपको कुछ नहीं मालूम, जैसी भेजा मत खाओ। मैडम याद कीजिए, उस दिन आपके घर में कौन आया था? हमारे घर में कौन आएगा? कोई नहीं। कोई मिलने जुलने वाला? हम किसी से नहीं मिलता। कोई दोस्त? दोस्त? हमारा कोई दोस्त नहीं। कोई रिश्तेदार? किसका रिश्तेदार? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। आपका नहीं, बेबी का कोई रिश्तेदार? हम बेबी के किसी रिश्तेदार को नहीं जानता। तुम जाओ। आप बेबी के किसी रिश्तेदार को नहीं जानती, इसका मतलब आप बेबी की माँ नहीं। तो फिर बेबी की माँ कौन है? बोलिए, जवाब दीजिए। मामा, तुम मेरी माँ नहीं हो? हाँ, बोलो। तो फिर कौन है मेरी माँ? अपन को कुछ नहीं मालूम, अपन सच बोलते हैं बेबी। तुम इतना सा था जब जीवा तुम्हें अपन के पास छोड़ गया था, वो तुम्हें किडनैप करके लाया था। तो फिर वो मेरे डैडी नहीं है? नहीं, तुम्हारा डैडी कोई अमीर आदमी है। जीवा तुम्हारे नाम से हर 6 महीने साल में उनसे रुपए लेकर आता था। मैं इन आंसुओं के दर्द को महसूस करता हूं। मेरी मां होते हुए भी मैं मां की ममता से दूर हूं। कृष्णा, कम से कम तुम्हारी मां तुम्हारे आंखों के सामने तो है, मगर मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी मां कौन है, मेरा बाप कौन है। तुम मुझे मेरी मां दिला दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे पिता से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। सिंगापुर से खबर आई है कि जीवा नाम का आदमी अपने साथ बहुत हथियार लेकर शहर में आया है। हम वो हथियार खरीदना चाहते हैं। फिलहाल तुम दूर से उस पर नजर रखो, मौका मिलते ही उससे सौदा किया जाएगा। सुजी डार्लिंग। जीवा डार्लिंग, 2 साल से तुम्हारा कोई न्यूज नहीं, मालूम है तुमको हम कितना ट्रबल में था। डार्लिंग, 2 साल से मैं सिंगापुर जेल में था, तो खबर कैसे भेजता? अब आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। 20 लाख का माल लाया हूँ। सच? हाँ। किधर है? गैरी मेरे को आ दिया। मम्मी, बेबी, बेटे अपने डैडी से नहीं मिलोगे? जरूर मिलूंगी। कहाँ है वो बताइए, कहाँ है मेरे डैडी? कौन है वो? इसे अपने बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। कैसे? खैर, अगर इसे पता चल गया है तो मैं भी देर नहीं करूंगा, मुझे भी पैसे चाहिए। मैं कल ही अपनी आखिरी किश्त लेकर तुम्हें तुम्हारे डैडी के हवाले कर दूंगा। बरसों से वो भी तुम्हें मिलने के लिए बहुत बेचैन है। मैं नहीं चलूंगी। अपने बाप से मिलना कि नहीं? सूजी, मैं पीछे से निकल जाता हूं, तुम पुलिस को संभालो। आओ। जीवा किधर है? कौन जीवा? कौन जीवा रे? सिंधी कॉलोनी में रहती हो, चाट की दुकान नहीं मालूम है? किधर है जीवा? ये घर अपन का है, जीवा कौन है अपन को नहीं मालूम। दादा, दादा मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया बाबा? हथियार मिला। रोकरा नहीं मिला? नहीं मिला दादा। अच्छा तो एक काम करो, मैडम पे थप्पा लगा के जीप में लिखो पीछे, और ये हथियार को जीप में बिठाओ। मेरा मतलब है
हथियार को जीप में रखो और मैडम को जीप में बिठाओ। कहीं नहीं जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा, हम क्या डोली पे बिठा के तुमको पिया के घर लेके जाता है, हम तो पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। पान अपन किया क्या मैन? किया क्या यानी, जितना असला तुम्हारे घर से बरामद हुआ उतना तो बोफोर्स की फैक्ट्री में नहीं है। तुम पूछता हम किया क्या है? क्या जीवा बेबी को उठा कर ले गया? अरे साईं बस एक मिनट का गड़बड़ हो गया ना, मगर मैंने मैडम को जीवा के लाए हुए हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जीवा हथियार लाया था? अरे दादा तू हथियारों का नाम सुन के एकदम चौंक क्यों गया है? हथियारों का मेरी जिंदगी से बहुत जहरीला रिश्ता है मालपानी। मेरे पिताजी हथियारों का काम करने वालों की वजह से मारे गए। तेरे पिताजी? हाँ, उनका नाम था विक्रम। वो एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था मेरी जबान। ओ जीवा का हाथ आना बहुत जरूरी है। बेबी के बाप के नाम के साथ साथ वो हथियारों का काम करने वालों का नाम भी बता सकता है। अच्छा मैडम ने ये बताया कि जीवा? मैडम ने बड़ी कुछ नहीं बोला ना, वो तो बोलती है मैं अपना मुंह खोलूंगी तो सिर्फ कृष्णा के आगे। कृष्णा अपन को मालूम था कि तुम जरूर आएगा। क्या चाहती हो तुम? तुम जीवा के बारे में पूछता था ना, जीवा यहाँ आया है। कहाँ है वो? ये बात अपन तुमको अंदर नहीं बाहर चल के बताएगा। तुमको जीवा मिल जाएगा, जीवा बेबी के बाप का नाम बताएगा, उसको उसका बाप मिल जाएगा और तुमको तुम्हारी माँ मिल जाएगी। पन अपन को क्या मिलेगा? जेल, सजा। तुम आजादी चाहती हो? इस लॉकअप से ही नहीं, इस केस से भी। अरे मगर तू समझता क्यों नहीं, ये छोटा मोटा लफड़ा नहीं है, ये हथियारों की स्मगलिंग है, स्मगलिंग। अगर मैंने मैडम को बगैर चार्ज शीट के छोड़ दिया ना तो सरकार मुझे कॉफी पोला में बंद कर देगी। और अगर मैडम बाहर ना आई तो मैं इसी तरह अंधेरे में भटकता रहूंगा। और अगर मैडम बाहर आ गई ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा, मेरी ये वर्दी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक है मालपानी, कसूर मेरा ही है, मैंने तुझे सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन आज मालूम पड़ा दोस्ती से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा है। कोई बात नहीं चलिए अम्मो, लख जी लाना था। तुम मालपानी को अभी समझा नहीं है भेड़िया, दोस्त के लिए तो मालपानी असल ब्याज खाता जला के रख देगा पूरा, तुझे तेरा काम हो जाएगा। जाना और वो सर ये पहली रिपोर्ट है जिस पर हम साइन कर चुके हैं। तुम फौरन इसकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल करो। He must be arrested immediately. जीवा कहाँ मिलेगा? अपन को पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन पुलिस जब भी उसके पीछे लगती है तो वो शंकर की बस्ती में छिपता है। हेलो हेलो रंजीत सेठ, तुम्हारी बेटी का रखवाला बोल रहा हूँ। तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम यहाँ भी था, आ गया हूँ ना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी मुझे लौटा दोगे, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ सेठ। कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो? घबराओ मत सेठ, बहुत जल्द तुम इसे अपनी आंखों से देख लोगे। फिलहाल तुम जरा 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, शाम को 7 बजे फोन करूंगा। देखो तुम मेरी बेटी को लेके आओगे ना? नहीं, सिर्फ जगह बताऊंगा जहाँ तुम्हें पैसा लाना है, वहां तुम्हें तुम्हारी बेटी भी मिल जाएगी। ओके दादा, शंकर की सारी बस्ती छान मारी लेकिन बेबी का पता नहीं चला। अरे खदरा, लख जी लानत पुट, लख जी लानत, तूने वर्दी में रहकर भी कचरा करवा लिया। अरे मेरे पास अगर वर्दी होती ना, मैं सारी बस्ती के कपड़े उतरवा के बेबी का पता लगा लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं है मालपानी, मैं बिना कपड़े उतारे बेबी और जीवा की तलाश कर लूंगा। दादा इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझते हो, तुम्हारा और बेबी का जो लफड़ा है ना वो कराची तक मशहूर है, कराची तक। तुमने शंकर की बस्ती में कदम रखा नहीं और बड़ी उन लोगों ने बेबी को खत्म किया नहीं। नहीं साई नहीं, अभी तो दादा नीति की जरूरत है, ताकत की नहीं नीति की। और नीति बोलती है लो साई का नाम।
Thank you.
जो इतने गम सह गया हूँ साई, अरे उसकी तलाश में तमाशा बन के रह गया हूँ साई। गली गली तेरा नाम पुकारा, आवाज दे दे के अब तो मैं हारा, आवाज दे दे के अब तो मैं हारा। तुम छुपे कहाँ, साई झूले लाल झूले लाल झूले लाल, बोलो बोलो साई झूले लाल झूले लाल झूले लाल। देखो फिर साई नाम, देखो फिर साई नाम दिखलाता है क्या कमाल, बोलो बोलो साई झूले लाल झूले लाल झूले लाल, बोलो बोलो साई झूले लाल झूले लाल झूले लाल। भुला दूंगा, मुझे नहीं मालूम, अबे मुझे नहीं मालूम। बोल दे, बोल बोल, नहीं तो बताता हूं बताता हूं। देख जी बा, तू मरने वाला है, मरने से पहले एक नेक काम करके जा। बता बता बेबी का बाप कौन है? रंजीत, रंजीत, रंजीत मेरा। अरे कृष्णा, तुम? नमस्ते राजा साहब। सर जी, ये आपकी बेटी। क्या? मेरी बेटी? लेकिन ये तुम्हें मिली कहां से? जीवा नाम के एक बदमाश के पास, जो अब मर चुका है। उसे किसने मारा? फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कृष्णा, एक तड़पते हुए बाप से उसकी बेटी मिलवाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया है, उसका मैं बदला तो नहीं चुका सकता हूं, लेकिन इस बैग में पूरे 5 लाख रुपए हैं, ये कबूल कर लो। शुक्रिया सर जी, मैं गलत काम करने वालों से हिस्सा जरूर लेता हूं, लेकिन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना मेरी नजर में गलत काम नहीं है।
अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी बेटी को इतना प्यार दीजिए कि वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी के सारे दुख भूल जाए, क्योंकि मां बाप के प्यार की भूख कितना तड़पाती है यह मेरा दिल बहुत अच्छी तरह से जानता है। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है? वो कहीं भी हो, तुमसे क्या मतलब? मतलब पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैं कौन हूँ ये जानने वाली तुम कौन होती हो? और मैं क्या हूँ ये तुम कृष्णा से पूछ लेना। उससे तुम्हें बाद में पूछूंगी, पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि दोबारा इस घर में पैर भी रखा तो सोड़े की झा की तरह उड़ा दूंगी। मैं तुम जैसी दो टके की दारू वाली के मुंह नहीं लगना चाहती। दो टके की होगी तेरी माँ। जी पापा। बेबी, ये ड्राइवर क्या कर रहा है? किससे झगड़ा हुआ तुम्हारा? किमी से। वो दो टके की शराब बेचने वाली जबरदस्ती कृष्णा को अपनी प्रॉपर्टी समझती है। देखो बेटी, इन छोटे लोगों के मुंह लगना तुम्हें शोभा नहीं देता। माना कि कृष्णा के हम पर बहुत एहसान है, लेकिन तुम्हारा कृष्णा से मिलना जुलना ठीक नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, कृष्णा मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आप भी ये कोशिश ना कीजिएगा। ओके, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। स्माइल। थैंक यू। कृष्णा सर जी, आप? हाँ कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार सड़क पे? बात ही कुछ ऐसी है कृष्णा, बेबी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें चाहती है, लेकिन मैं समझा नहीं। कृष्णा, मैं तो उसका बाप हूं, लेकिन तुम तो उसके हमदर्द हो, वेलविशर हो। क्या तुम नहीं चाहोगे कि वो एक शानदार जिंदगी गुजारे? कार, बंगला, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, वो सब कुछ उसके पास हो जिनके बिना उसने फुटपाथ की थर्ड क्लास जिंदगी गुजारी है। मैं क्या चाहूंगा ये कहने की जरूरत नहीं है सर जी, लेकिन मैं इतना कहूंगा, दूसरे अमीर बापों की तरह ब्लैंक चेक निकालकर लाखों रुपए देकर बेटी की जिंदगी से निकल जाने के लिए ना कहकर अपने बड़ी अकलमंदी की है। कल शाम को बेबी को घर भेज दीजिएगा, उसके बाद ना सिर्फ वो मुझे मिलना छोड़ देगी बल्कि वो मुझसे नफरत करने लगेगी। आप उनकी समझ में तेरी आज की बात बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरे को यहाँ बुलाया और तू शराब पिए जा रहा है, आखिर हुआ क्या? इंसान सिर्फ दो वक्त पीता है, खुशी में और गम में। ये क्या बेटी, रो क्यों रहे हो तुम?
कृष्णा धोखेबाज निकला पापा। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझसे मिलता था, सिर्फ मतलब के लिए। तुम फिक्र मत करो, कृष्णा से मैं खुद बात करूंगा। नहीं, आप उससे हरगिज बात नहीं करेंगे। अगर वो मेरे साथ खिलवाड़ कर सकता है तो मैं भी उसको दिखा दूंगी कि बेबी उन लड़कियों में से नहीं जो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रोएगी और गिड़गिड़ाएगी। साईं, अरे बाबा तू देवदास की तरह क्यों उदास बैठा है? ऐसे ही बाहर ज्यादा मत जाकर, पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो तुझे अंदर की ताजा ताजा खबर कौन ला के देगा बाबा? आज जो खबर लाया हूं ना उसे सुनकर तू पापा फिर से पैदा हो जाएगा। क्या है? तेरा बाप विक्रम सिंह जिंदा है। मेरे पिताजी जिंदा है? हाँ? कहाँ है वो? कहाँ है? थाना जेल में। कितनी बार कोशिश की तुम लोगों से मिलने की, जेल से भागने की, हमेशा पकड़ा गया, सजा बढ़ती गई, कभी कलकत्ता जेल कभी दिल्ली जेल, कोई सिलसिला नहीं बना तुम लोगों तक खबर पहुंचा सकता। पता नहीं पिताजी, भगवान ने हमारा इतना सख्त इम्तिहान क्यों लिया? ये इम्तिहान नहीं बेटे, सजा है, उस सच्चाई की सजा जिस पे मैं चला था। ऐसा नहीं पिताजी, सच्चाई पर चलना इस दुनिया में मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। आप सिर्फ उन लोगों का नाम बताइए जिन लोगों ने आपको फंसाया था, मैं दुनिया के सामने कानून के सामने उन्हें बेनकाब कर दूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं। इसी कोशिश में मैं जेल में इतने साल सड़ता रहा, तेरी जवानी बर्बाद हो जाए ये मैं नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको मेरी सौगंध, मां की सौगंध। अब मुझे बताइए, बताइए पिताजी। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, इतना शक है मेरे कॉलेज का दोस्त रंजीत मेहरा किसी से मिला हो। रंजीत मेहरा। इकट्ठी पतंग। अरे दादा, ओ दादा, अरे दादा तू क्या सुबह से एकदम कटी पतंग की तरह इधर से उधर डोलता रहता है? मैं फिरकी पकड़ के इधर बैठा रहता हूँ। पहली में ही बात करेगा या कुछ बोलेगा भी? दादा आज से तू मेरा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया रख दे, ऐसी खबर लेके आया हूँ, ऐसी खबर लेके आया हूँ कि तू फरक जाएगा। तेरे बाप को देशद्रोही होने का इल्जाम लगा था ना? हाँ। और उसके घर से कुछ गन बिन हथियार वगैरह सब मिला था ना? हाँ। तो दादा उसको फंसाया होगा हथियार के सौदा करने वालों ने, हमको उन लोग का पीछा पकड़ना चाहिए। कोई आदमी नजर आया? आदमी तो नजर नहीं आया दादा, लेकिन खबर मिली है कि उन लोगों का माल आज मट आइलैंड पे उतरने वाला है। माल बराबर चेक किया? जी। चलो जल्दी रखो, तुम लोग निकल जाओ, चलो जल्दी, चलो चलो ट्रक लेके जल्दी से पहुंच जाना। ओके ओके। छाप दर्द मंजन चाबी दे। कौन हो तुम लोग? दो नंबर के काम करने वालों के बाद डिस्कशन बंद कर चढ़ियो, मुंह चाबी देना। तो नहीं झूले लाल, छत्तीस दांत इसके नए लगाए हैं। क्या चाहिए? चाबी। चाबी ये लो चाबी। ¡Suscríbete al canal!
बेटा, संभाल के रख, फिर कभी मार खानी हो तो काम आएगा। क्या बदतमीजी है कृष्णा? तुम माफ करना सर जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी इसलिए इस तरह रोकना पड़ा। अरे भाई, तुम तो मेरे घर आ सकते थे या मुझे अपने घर बुला लेते। बात कुछ प्राइवेट है इसलिए अकेले में बात करना चाहता था। अच्छा, तो कहो क्या बात है। बिजनेस। बिजनेस? सर जी, लोगों की कमजोरियों को मालूम करके उनकी कमाई से हिस्सा लेना मेरा धंधा है। कृष्णा, तुम चाहो तो ऐसे ही मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन आई एम सॉरी, क्या है कि मेरा ऐसे किसी भी धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी हो। अब क्या धंधा करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हथियारों का काम करने वालों के बारे में आप कुछ जानते हैं ये खबर मुझे मिली है। बस एक कृष्णा, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये धंधा करते हो, पर मैं तो उन पर सिर्फ शक ही कर सकता हूँ, यकीन से नहीं कह सकता। यकीन से कहने के काबिल आप कब हो जाएंगे? सर जी, आप अपनी बेटी की कीमत 5 लाख रुपए दे रहे थे और मैं आपसे सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं। कृष्णा, मैं जी जान से चाहता हूं तुम्हारा यह एहसान किसी तरह से चुका दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप इस कोशिश में कामयाब होंगे ये मुझे मालूम है। आपको मैं 2 दिन के बाद फोन करूंगा। ओके, सी यू अगेन। कृष्णा को जितना ज्यादा मैं समझता जा रहा हूं वो उससे ज्यादा होशियार लड़का है। ये लड़का बहुत काम का है रंजीत, शाम को उसको घर ले आओ। लेकिन राजा साहब, उसके भी अपने कुछ असूल है और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से हमारा साथ देगा नहीं। मुश्किल को आसान करना हमें अच्छी तरह आता है रंजीत। पहचान लिया, ये आपका बेटा है। कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब। आप? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। 14 साल पहले की हर बात मेरे दिमाग के पर्दे पर ताजा हो चुकी है। वो कल भी जब आपने मेरे पति को गोल्ड मेडल दिया था। अब आपके बेटे को भी गोल्ड मेडल मैं दूंगा। वो भी आपके पति की तरह कुछ गैर कानूनी काम करने वालों का दुश्मन बन चुका है। नहीं नहीं राजा साहब, उसे रोकिए, कहीं बाप की तरह वो भी। आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं जिंदा हूं उसका एक बात भी कोई बांका नहीं कर सकता। अपनी हिफाजत के लिए वो यहां नहीं आ सकता, इसलिए आपको ले जाने के लिए उसने मुझे भेजा है। डॉक्टर साहब, क्या मुझे इजाजत है? इजाजत लेने की क्या जरूरत है, ये जा सकती हैं। हाँ राजा साहब, चलिए जल्दी चले। चलिए, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया? हाँ कृष्णा, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी से बात की है, वो तुम्हारा माल खरीदने के लिए तैयार है। कौन है वो? पार्टी ये बैठी है। हेलो सर जी, मैं प्यादों से नहीं असली मालिक से बात करना चाहता हूँ। भाई, अपने काम के ये मालिक ही हैं। ये क्या है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और वो क्या है मैं जानना चाहता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शीशे के पीछे आप होंगे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि शीशे के पीछे कोई है, तुम ये जान जाओगे। लगता है आज के बाद मुझे अपने कंप्यूटर की हर खबर फिर से पढ़नी होगी, क्योंकि आपको पहचानने में मेरा कंप्यूटर फेल हो गया। इस बात का मौका तुम्हें मिले इसकी गारंटी तुम्हें नहीं दी जा सकती। आज तक कोई पिस्तौल ऐसा नहीं बना जो कृष्णा का रास्ता रोक सके। ये पिस्तौल तो तुम्हें हरकत करने से रोकने के लिए है, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तो हमारे पास जज्बात की बेड़ियां हैं। तुम्हारी मां जो 14 साल के बाद तुम्हें प्यार करने को बेताब है और हमने अपने गरीब खाने में रखा हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं बरखुरदार,
वहां चाहिए तो चुपचाप हमारे साथ चलो, हमें तुमसे एक सौदा करना है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? राजा साहब कहाँ हैं? वो मुझे मेरे बेटे से मिलवाने वाले थे। तुम्हारे बेटे के कब्जे में आते ही उसे यहाँ लाया जाएगा। कब्जे में? हाँ, उसने राजा साहब के करोड़ों रुपए के हथियार लूटे हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। ये लो, खाना खा लो। वो बुढ़िया भाग गई। कहाँ भाग गई? जंगल की तरफ। हर सुबह
सरदार, भागने की कोशिश मत करना। अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की, माँ बेटे दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझे? चलो चलो। हमारी पकड़ से बच निकलना इतना आसान नहीं है कृष्णा। कृष्णा की पकड़ से तुम लोग नहीं बच पाओगे। अच्छा, काश तुमने हमारी बेटी लौटाकर हम पर एहसान न किया होता तो हम इस बात का जवाब गोली से देते। हाँ डैडी, ये गोली मार देने के ही लायक है, लेकिन पहले इसे अपना हिसाब चुकाना होगा। मेरे दिल को तड़पाने का और मुझे धोखा देने का। जानते हैं कि प्यार में धोखा खाई हुई औरत जख्मी नागिन से भी ज्यादा जहरीली होती है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे इंतकाम से ज्यादा हमें कृष्णा की जान जरूरी है।
कृष्णा तुम हमें पसंद आए, हम तुम्हें अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। कृष्णा नफरत करता है देश के गद्दारों से। हमें गद्दार कहकर तुम देश के सबसे बड़े वफादार की बेइज्जती कर रहे हो। कृष्णा गद्दार वो हैं जो इस देश को बेच रहे हैं, अपने फायदे के लिए कानून को बनाते हैं और तोड़ देते हैं। हमने तुम्हारे बाप को जेल भिजवाया, लेकिन कानून ने तुम्हारे बेगना बाप को सजा क्यों दी? तुम हमें गद्दार कहते हो? हमें, जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी आज के गद्दारों के साथ लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का खेल खत्म करने के लिए। और आज वो दिन दूर नहीं, कल कुछ ही देर में इस देश के 6 आदमी जो 15 साल से अपने अपने इलाकों में लोगों को तैयार कर रहे हैं, यहां आएंगे और हथियारों से भरे हुए ट्रक ले जाएंगे और इस देश के गद्दारों पर वार करेंगे। राजा साहब, मैं समझता था आप हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं, देश के अमन और शांति को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आज पता चला कि आप देश के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकर मैं आपको सलाम करता हूं राजा साहब। बेटा, मेरे बाप को जेल भिजवाने वाला वो कानून है, वो सिस्टम है जो मेरे पिताजी की सच्चाई को जान ना सका। अगर ये सिस्टम बदला ना गया तो ना जाने तेरे जैसी कितनी माएं पागलखाने में रहेंगी और मेरे जैसे कितने बेटे मां के पत्थर खाते रहेंगे। और इसके अलावा मेरे पिताजी मरे नहीं मां, वो जिंदा है। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ मां, वो थाना जेल में है, मैं उन्हें मिल चुका हूं। राधा साहब, मेरी मां को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं आपका ट्रक लेकर आता हूं। कृष्णा, चाबी इधर है। चाबी दे दे मालवानी। क्यों? मुझे ट्रक लेकर के पहुंचना है। किधर पहुंचना है? ये मैं तुझे बता नहीं सकता। ये तो भूल रहा है कि इस ट्रक के माल के ऊपर मेरा भी तो आधा हक पहुंचता है। क्या मतलब? मतलब ये कि माल का पता बताया मैंने, जिम्नेजियम के अंदर झगड़ा करके चाबी ली मैंने, और फिर 2-4 रुपए की बात होती तो मैं समझ लेता दादा लाखों रुपए का माल है और मैं 50% पार्टनर हूँ। ये मत भूल कि तू एक फरार मुजरिम है। और ये मत भूलना कि अगर मैं फरार मुजरिम हूँ दादा तो तेरी दोस्ती की वजह से फरार हूँ। चुपचाप चाबी दे दे वरना। हाँ हाँ हाँ, धमकी बिल्कुल मत देना दादा, मेरे साथ दोस्ती के अंदर तो हर बात मान लूंगा, दुश्मनी करेगा तो वो दुश्मनी का ब्याज भरते भरते कंगाल हो जाएगा। फक्कर फक्कर। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ऐसे शब्द निकालने से पहले तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे देता। चल चबिला। मेरे पास तुम दोनों के गिरफ्तारी के वारंट है, चलो मेरे साथ। कृष्णा, हथियारों से भरा ट्रक तुम्हारे पास मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि हथियारों का सौदा करने वाले उन देशद्रोहियों के साथ तुम मिले हुए हो। आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया, मुझे शुरू से इस पे शक था, इसलिए पकड़ के इसको आपके दरबार में ले गया। तुम्हारे जैसे आदमी को तो फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। पुलिस की होकर तुमने पुलिस को धोखा दिया, कानून को खेल बनाया। सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे फांसी मिलने वाली है तो फिर मैं एक और छोटा सा खेल खेल लेता हूँ। मुझे बचपन से शौक था कि मैं एक अफसर की कुर्सी पे बैठने का खेल खेलूं, तो अब मैंने पूरा किया। ले जाओ इसमें कुछ ना। सर बड़ा साहब, इससे पहले कि आप जल्दबाजी में कोई मुंह से गलतफहमी का लफ्ज बोल दे, जरा इस कार्ड पर गौर फरमाइए सरकार। सीबीआई ऑफिसर मिस्टर अर्जुन। यस मिस्टर वालिया, अर्जुन वासवानी, सीबीआई ऑफिसर। ये आज की गिरफ्तारी भी मैंने प्लान की थी। आई एम सॉरी सर, अनजाने में ना जाने मैंने क्या किया। राइट मिस्टर वालिया, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इंस्पेक्टर आप बाहर जाइए। यस सर। थैंक यू। कृष्णा, हैरान हो गए। कृष्णा, हमारा मुल्क इस वक्त एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे मुल्क की तरक्की से दुश्मन मुल्क जल रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमको आपस की लड़ाई में, एक अंदरूनी लड़ाई में उलझा कर रखें। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे बहुत से अपने देशवासी दोगले भाई उन लोगों के साथ मिल गए। पहले तो मैं समझा कि तुम भी इन लोगों में से एक हो, इसलिए मैंने एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर का भेष बदल के तुम्हारे मोहल्ले में अपनी ड्यूटी लगा दी। लेकिन फिर मैंने देखा
कि तुम भी उन लोगों से नफरत करते हो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम्हारे माँ बाप को तुमसे अलग कर दिया था, तब मैं तुम्हारे करीब आया, और अब मुझे पूरे यकीन हो चुका है कि तुम उन दोगले भाइयों के लीडर को जान चुके हो। सर, मेरी माँ उन लोगों के कब्जे में है, उसकी जान को खतरा है। खतरा? खतरों में पल के तुम जवान हुए हो कृष्णा। मुझे उस आदमी का नाम पता बता दो, हम आज ही उसका नाटक खत्म कर देंगे। नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कानून को अपने हाथों में कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्त बनकर मैंने आज तक तुम्हारा हर हुक्म माना है, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे उस आदमी का नाम और उसका पता चाहिए। इस वक्त एक भी गलत कदम मेरी मां की जान ले सकता है। कृष्णा, तुम्हें कानून और पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा? हाँ भरोसा कृष्णा, भरोसा करो उस कानून पर जिसने मेरे बेगुनाह बाप की एक ना सुनी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। भरोसा करो उस कानून पर जिसकी वजह से मेरी माँ सारी जिंदगी पागलखाने की दीवारों से सर भड़कती रही। कानून कानून और पुलिस की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं कृष्णा। मैं अगर ट्रक लेकर वक्त पर ना पहुंचा तो मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा कानून और उसकी मजबूरियां होंगी। ये रहा तुम्हारा ट्रक, माल चेक करो। ये कौन है? मैं किमी हूं, कृष्णा की होने वाली वाइफ। धोखेबाज, अब पता चला प्यार के नाम पर तू मुझसे कौन सा खेल खेलती रही। क्या बात कृष्णा? ये पुलिस की जासूस है राजा साहब। ये माइक्रोफोन उसका सबूत है। बोल, यहां तुझे किसने भेजा है? मुझे भेजा है मेरी ड्यूटी ने, मेरे फर्ज ने। मैं एक इंटरपोल एजेंट हूँ, मेरा असली नाम रीटा है। हमें खबर मिली थी कि इस देश का कोई आदमी विदेशों से हथियार खरीद रहा है। मैंने सोचा कृष्णा के जरिए उस आदमी तक पहुंचना आसान होगा, इसलिए मैं एक मामूली शराब बेचने वाली बनके इसकी बस्ती में गई, इससे प्यार का नाटक किया, और आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। मंजिल तक नहीं, अपनी मौत तक लड़की। अरे राजा साहब, हथियारों से भरा ट्रक जब मैं यहाँ लेकर आ रहा था उसे रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया था, और पुलिस मुझे कमिश्नर का ऑफिस ले गई जहां मुझे पता चला कि मालपानी सीबीआई ऑफिसर है। मैंने उसे मां की बीमारी का बहाना करके बेवकूफ बनाया और ट्रक यहां लेकर आया जहां मुझे यह लड़की मिली। यह लड़की कमिश्नर की ऑफिस से ट्रक में छुपी हुई थी, और यह माइक लगाने का मतलब है किसी ना किसी को हमारे रास्ते का पता चल रहा है, और वो कौन है आपको बताता हूं। मुझे मालूम था तुम ही होगे मालपा। देश के गद्दारों के साथ मिलकर तुमने अच्छा नहीं किया। गद्दारों से नहीं, मैं देश के वफादारों से मिला हूं, तुम जैसे गद्दारों को मिटाने के लिए। लीजिए राजा साहब। मान गए तुम्हारी नजर को कृष्णा, तुम सिर्फ जो हो रहा है वही नहीं बल्कि आने वाले कल की बात को भी समझ लेते हो। राजा साहब, सब लोग आ गए, उन्हें लेकर आओ। ओके। और इन दोनों को बांध दो ताकि आने वाले कल की आजादी को अपनी नजरों से देखें और राजा साहब जैसे वफादारों के जान निसार बन सके। तुम ठीक कहते हो कृष्णा, होशियार लोगों को अपने साथ रखना हम पसंद करते हैं। बांध दो इन्हें, ले जाओ। आइए। वेलकम। आइए। वेलकम वेलकम। आइए। आओ कृष्णा आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि यह देश किस तरह आजाद होगा। यह इलाका इनका है, इनके आदमी एक मंदिर में गाय का कटा हुआ सर रख देंगे और एक मस्जिद में सुअर का कटा हुआ सर रख देंगे, फिर कापरस्ती की आग को भड़काया जाएगा और खून का रंग होली का त्योहार बन जाएगा। लेकिन जो आदमी यह काम करेंगे अगर पकड़े गए तो सारी स्कीम्स नाकाम हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कृष्णा,
ये इलाका इन लोगों का है। इस इलाके में बॉर्डर प्रॉब्लम्स उभर गए, इसलिए कल एक मीटिंग रखी गई है और मीटिंग में कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग होंगे जो कि धुआंधार भाषण सुनकर दो चार आदमी का खून कर देंगे। और भाषण पर सरकार ने रोक लगा दी और दफा 144 लगा दी, ये प्रोग्राम भी ठंडा रह जाएगा। हाँ, सरकार को पता चले तब ना। और ये इलाका इनका है, स्टूडेंट्स और मजदूरों को ये लोग भड़काएंगे और सारा भारत अग्नि रेखा में घिर जाएगा। लेकिन इस अग्नि रेखा के लिए एक लक्ष्मण रेखा काफी है राजा साहब। लक्ष्मण रेखा? यहाँ मौजूद सभी लोगों को अगर जेल की चार दीवारी की रेखा में बंद कर दिया जाए तो। लक्ष्मण रेखा? जी। समझा नहीं, मैं समझा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो चुका राजा साहब, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए। यू बास्टर्ड! बास्टर्ड तुम हो। बास्टर्ड का मतलब है हरामी औलाद। अरे तुम तो धरती मां के बोझ हो, वो धरती मां जिसे महात्मा गांधी ने अपनी शांति से सींचा है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आजाद जैसे वीरों की बलिदान ने आजादी दी है, और उस आजादी को तुम जैसे खुदगर्ज अपने जुनून और पागलपन की भेंट चढ़ाना चाहते हो, जो नामुमकिन है। अरे तुम्हारा खेल तो मैं कल ही खत्म कर देता, लेकिन मुझे इंतजार था इन कुत्तों का, ताकि इन गद्दारों की टोली को एक साथ पकड़ा जाए। वेल डन कृष्णा, जिस मुल्क में तुम जैसे सपूत हो वो धरती किसी के गुलाम नहीं बन सकती। राजा विजय सिंह, दिस इज द पुलिस। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आई रिपीट, राजा विजय सिंह,
चारों तरफ से तुम गिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बहुत नाटक हो चुका है, ये पागलपन छोड़ो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजा विजय सिंह अपनी मर्जी से जिया है और मरेगा भी अपनी मर्जी से। हमारी मौत हमारे हाथों में। कृष्णा तुम ठीक हो ना? सच्चाई और ईमानदारी की निशानी इसे गद्दारों को पकड़ने के लिए मिला है। विक्रम, जो काम तूने शुरू किया था वो तुम्हारे बेटे ने पूरा कर दिखाया। मैं अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहा हूँ बेटी। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपकी बेटी मेरी होने वाली बहू है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। विक्रम, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। प्यार को